पांच ठीक है, जो सिर्फ खाप से अपने रक्त का मजा करें। शामिल में आपको बताते चलो खुश तो कह रहा है। दोनों टीमों से दरख्वास्त है कि चंद लोगों के लिए इधर ही रहे। सामने जोर का इस वक्त सतरान है और गेंदी तो है सेंटर लाइन की यानी प्रवाह दवा है और इसके साथ किसान के और किसान की है साहब से गुजारिश करूंगा कि जो शायरी बीच में
देखने को मिल रहा है और बहुत एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी का मैच हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छा खेल का उदाहरण दे रहे हैं। यकीन अब्दुल्ला ने जो गोल किया वो दांत के मुस्तैक है, मंच वो प्लेयर्स है, अच्छी कॉम्बिनेशन है दोनों। और इस शानदार मुकाबला इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है शनिवार के मुकाम पे। अच्छी बैटिंग करते हैं, डिफेंडिंग अच्छी करते हैं और अटैकिंग में चतराल के प्लेयर्स किसी से कम नहीं है। यकीन दोनों टीम के प्लेयर्स दांत के मुस्तैक है, अच्छी टीम का मुजाहरा कर रहे हैं। मैच का पहला हाथ जारी है, अब तक एक गोल के मुताबिक क्योंकि चार चतराल में अगला कोई चांस जी। आकाश भाई क्या कहेंगे आप? एक सुनकर के जोर से सामने जा रहे चतराल के खिलाड़ी प्रोफेसर सिवन ने कंप्लेन किया, उसके बाद पाकिस्तान के रिस्पॉन्ड करके एक दफा फिर से ये बोल के बताने के लिए कि एक नंबर के खिलाड़ी बहुत यंग प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से एक बमारा बहुत अहम है। आप देखें दोनों टीमें बहुत मंजे ही हुए खिलाड़ियों पर मुश्किल जीत है और चित्रालय के दरमियान ये दिलचस्प जिस वक्त जारी है और स्कोर बोर्ड में आप देखिए गिली बल्तिस्तान 4 और चित्राल 3। बिल्कुल चित्राल साहब मैच के लिए टूर्नामेंट के लिए चित्राल और गिली बल्तिस्तान से स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों का चुनाव होता है। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्किल एक तरफ सदान तरफ शहजाद अहमद शाहजी दिखाएंगे आज अपने हुनर घूम के खेलने के और गोल अकेला ने खूबसूरत गोल किया और तब्बू लेके आ रहे थे शादम सामीन में। यहाँ पे वो बताना चलो और सीनियर टोलो प्लेयर गिली बल्तिस्तान के शाह खान के बेटे शादम अच्छी गोल का मुजाहरा कर रहे हैं। जबरदस्त एक हिट चताल के खिलाड़ी की तरफ से यहाँ पर मौजूद चताल के बहुत ही क्या खूबसूरत शॉट खेलने और उन्होंने 4 नंबर की खिलाड़ी पर बहुत जिम्मेदारी आयोजित की है। टूट मोट कहा जाता है उसको इस वक्त गिली बल्तिस्तान को 2 गोल की बढ़तरी हासिल चित्राल 3 और गिली बल्तिस्तान 5। शुरू में 3 गोल स्कोर किए गए गिली बल्तिस्तान की तरफ से जो कि बाद में चित्राल ने लेकिन 3 गोल स्कोर किया उसके बाद
के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने स्कोर किए इस वक्त दो गोल की बढ़तरी गिवे पाकिस्तान को। कामयाब बनाने में क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट है और साथ ही चित्राल की इंतजामिया और गिलगित इंतजामिया के लिए हम सलाम पेश करते हैं और ये आउट पास पाकिस्तान की टीम के एक नंबर के खिलाड़ी नाजिर बहुत ही बेहतरीन मुजाहरा पेश कर रहे हैं आज और जबरदस्त बेहतरीन खिलाड़ी टीम को नौजवान खिलाड़ी हैं लेकिन क्या हो तो लोग कहते हैं आपको नजर आ रहा है आकाश साहब आप क्या कैसे इसके बारे में? जी बिल्कुल सारे शाकिन यहाँ पर ये फाइनल के लिए जिस तरह कल हम बात कर रहे थे जब यहाँ पर खेल रहे थे यकीन उन्होंने बहुत जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया और फ्री स्टाइल बोलो इस वक्त पाकिस्तान और जिताल से ताल्लुक रखने वाले फ्री स्टाइल बोलो के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त आपके सामने खेल रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक्साइटमेंट कितनी होगी शाकिन की। अच्छा आकाश अब कल हम इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे ये इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें कि क्या वो प्रोसेस होता है किस तरह इसको सिलेक्ट किया जाता है मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है जिससे गुजर के ये एक टीम का हिस्सा बन जाते हैं ये खिलाड़ी और साल भर इसकी तैयारी होती है ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद इसी काम में आते हैं कि ये टीम का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम बात करते आ रहे हैं कल से की फेस्टिवल के लिए ना सिर्फ ये बात होती है रोमेंट की बात होती है पूरे साल हिंदुस्तान के खिलाड़ी या गलत पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तैयारी में रहते हैं कि उन्होंने शहर पोलो फेस्टिवल में हिस्सा लेना है और सिलेक्शन कमेटी के सामने अच्छा जो है खेल कर जो है अपने नाम जो है वो शनूर बोल टीम जो है उनमें अपने नाम को शामिल करता है तो एक प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाता है सिलेक्शन कमेटी और ये मुख्य टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं जहाँ पे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको अकॉर्डिंगली शामिल करते हैं। मुस्तकम हो चुकी है और अपने ग्रुप को मजबूत किए जा रहे हैं और चाल इस वक्त बिल्कुल आकाश भाई अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं यकीन बात भी मस्ती है और हम अगर की बात करें जिससे हम तो दो मिनट के अंदर पांच मिनट निकल गए तो आखिरी दम तक खिलाड़ियों को लड़ना होगा और अपनी इसी मेहनत को जारी रखना होगा जो टीम अच्छा खेलेगी जो मेहनत ज्यादा करेगी टीम जीत जाएगी और इस्तेमाल करेगी जीत जाएगी।
अच्छा इसका भी विश्वास है वो हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे बहुत ही मौजूद दोस्त इकबाल हुसैन इकबाल साहब आपकी तरफ आते हैं आज पाकिस्तान चित्रालय की सीमा मुकाबला आपके सामने जारी है आज कल का ऐसा जो सिलेक्शन है वर्तमान खिलाड़ियों पर कुछ अगले सवाल के हमें बताते चले जिनको हम बात देंगे बहुत अच्छी टीम इसका क्रिकेट की सिलेक्शन की है और टीम की बहुत मंजूर है वोटेंगे जी बिल्कुल इकबाल साहब ने यही बात कहना चाह रहा था क्रिकेट की टीम को इस वक्त राजा शफीक साहब की टीम कप्तान है लीड कर रहे हैं और यंग प्लेयर्स है ध्यान ये था कि यंग प्लेयर्स है पता नहीं किस तरह की बहुत अच्छी जबरदस्त खेल इस वक्त हमें दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड चंदूर में देखने को मिल रहा है 12,600 फीट की बुलंदी पर और हजारों शायकी
यकीनन आज इसे आप जल्दी जल्दी ग्राउंड खाली करें प्लीज, जो बाल ज्वाइन किया गया मैच को पकड़ जाना सोच चुका है। क्या कहेंगे सरकार साहब और दूसरे हाफ का मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। सलाहियत रखते हैं किसी भी वक्त प्ले करने का, और जिस तरह पिछले मैचेस हुए, कल बी टीम का मैच था, उससे पहले सी टीम का मैच हुआ, बहुत ही मजीद की तरफ से किसी के लिए गाड़ी अब्दुल्ला के लिए 5,000 नकद इनाम दिया गया है। कमेंट्री बॉक्स में उपयोग कर सकते हैं। यासीन से अब्दुल मजीद की तरफ से क्रिकेट ए टीम के खिलाड़ी अब्दुल्ला के लिए 5,000 नकद इनाम। आकाश साहब, अगर हम बात करें टीम के प्लेयर्स की तो क्रिकेट ए की तारीख से एक नंबर पे खेल रहे हैं नाजिर, दो नंबर पे शाह आजम, 3 नंबर पे अब्दुल्ला, 4 नंबर पे असलम, 5 नंबर पे सद्दाम राजी और 6 नंबर पे राजा शफी। इसी तरह अगर बात करें मुझे टीम के राजा साहब साहब और मैनेजमेंट में अशोक जी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कश्यप दिया शेरा श्री रूपण के जानब से बताने से पहले मैं जानब से जो जेल के मेम्बरान है गुलाब फजल और कश्यप दिया और जेल जो जिसके प्राइज सर अंजाम दे रहे हैं क्रिकेट की जानब से छह सत्तर
डबल टू की टीम से गुजारिश है कि आप जल्दी लंगर के लिए में पहुंच जाए, वहां पे एक्यूरेसी खराब है। बहुत खूबसूरत मैच इस वक्त जारी है चित्राल है और एक के दरमियान। चित्राल का स्कोर है 6 और बहुत खूबसूरत कांटेदार मुकाबला है और एक बेहतरीन खेल इस वक्त देखने को हमें मिल रहा है। दोनों टीमों में मंझे हुए खिलाड़ी है गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के, और बहुत ही बारीकी से इनकी सिलेक्शन की जाती है और ए टीम का हिस्सा बनने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है। ये दोनों टीमें बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, चित्राल और बल्तिस्तान के बेहतरीन बॉलों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। सेकेंड हाफ के शुरू में ही चित्राल की तरफ से गोल किया गया और उसके नतीजे में जो स्कोर है और एक मैच की बाकी बल्तिस्तान की टीम को 1 और चित्राल इस वक्त 6 के स्कोर पे और गिलगित बल्तिस्तान 1 के स्कोर पे। यकीनी तौर पर एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कांटेदार मुकाबला इस वक्त आपके सामने जारी है। भरपूर तरीके से इस बर्तरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। के बोर्ड के सामने जितने भी लोग खड़े हैं आपसे गुजारिश है कहीं पहुंच जाए ताकि कमेंट्री जो है वो उसमें किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो। ग्राउंड के राइट साइड पे जो बॉल के अंदर आए उनसे गुजारिश आप पॉइंट चले जाए। बिल्कुल आकाश भाई, अगर हम बात करें बल्तिस्तान आकाश, अगर हम बात करें चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन गुरु के मैच से इसी तरह वहाँ के अदब सकाफत और मौजूद रखते हैं और जो सामने लोग खड़े हैं वो गुजारिश आप पहुंच जाए तो बात करो हमारे से इस वक्त हमारे साथ आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के बहुत बड़े नाम फनकार आर्टिस्ट सिंगर सलमान कौरी साहब इधर साथ हमारे हैं। हम इनको खुशामदी के साथ आप इनके सॉन्ग सुन रहे होंगे। आप गिलगित बल्तिस्तान के क्रिएटर है सितंबर हमारे सिंगर है सलमान साहब लोगों को आप इंतजार हैं आप प्लीज हमारे पास आते हैं अगर आप अच्छा
पाकिस्तान की जानिब से सलमान तक मुकेश रन क्या कहेंगे आज के इस पूरे मैच के हवाले से और सत्रह जीने की जरूरत है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और चतराल के हवाले से मैं अक्सर चतराल को म्यूजिक के हवाले से जानता हूँ और चतराल में बहुत सारी अट्रैक्शन हैं जो सितार के ट्यून से चतराली को हमें बहुत पसंद है। वहाँ का पोलो, वहाँ का जो कैलाश का जो इलाका है और लोगों को कनेक्ट करें और दूसरे जो पीसफुल एक्टिविटीज है उनकी तरफ लेकर म्यूजिक एक ऐसी चीज है, कनेक्शन है जो लोगों को जोड़ती है, इसका पैगाम देती है। सिमिलर डांसिंग स्टेप्स के साथ हमारा कल्चर एक ऐसा है, हमारे रस्म और रवायात एक ऐसे हैं हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है पोलो, आज हमें यहाँ पे देख के बहुत ही खुशी हो रही है और साथ ही साथ क्रिकेट पाकिस्तान स्कोच की प्रेजेंस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी और उनकी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें नजर आई मुझे बहुत ही खुशी हुई, उन्हें घोषणा मिला है हमें। और इसके साथ साथ जफर वकार साहब की एक शायरी मैं शेयर करना चाहूँगा। हम बेटे हैं कोसारों के बर्फीले मस्त नजारों के, हम बामे जहाँ के बासी हैं, खुद अपना रुतबा जान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम दिल से पाकिस्तान के हैं। और इसी के साथ साथ मैं क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे सारे बैठे हुए और साथ साथ मुझे ये चांस मिल रहा है इस अजीम इवेंट के मौके पे, एक जो रिसेंटली मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड किया था जो चतराल के लोगों ने भी सुना और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी सुना, तो यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं मैं चाहूँगा कि मैं इनके साथ शेयर करूँ। और साहब की शायरी है और साथ साथ जो हमारे म्यूजिशियंस हैं अगर मेरे साथ थोड़ा थोड़ा साथ दें तो बहुत अच्छा होगा। साथ मेहमान मई जान करे करे शरदंग सितारे ही ने मट्टे निकावर में तू साथ बिगस तो माट दुनिया मई पावर में हटी देवान के बे मई अस्मान करे करे मई गा बने मेहमान मई जान करे करे। और इसी के साथ मैं जीतने वाली टीम के लिए एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं खुद भी खुशी खुशी गिलगित बल्तिस्तान लौटना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान का। हमारे जिलों में है और जिस तरह से आपने बात की सितार और गिलगित बल्तिस्तान में जो अमन है, जो आपस में मोहब्बत है, तो हमारा रहन सहन है, हमारा उठना बैठना है कि हमारा कल्चर, सकाफत, म्यूजिक दोनों सब एक है, हम सब एक है, चतराल वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले, हम सब एक है, हम सब पाकिस्तानी है। भरपूर तालियां होनी चाहिए जी सलमान फरमाएगा। एक प्रेस मिला है आदिल, आदिल नाम है से ताल्लुक है, इनका सर्व स्टेज पे मौजूद है, आप आके ले जा सकते हैं। और साथ ही रहमत अली वाल नशेर अली गिलगित बल्तिस्तान एक अदद मोबाइल शिनाइती कार्ड में गुम हो गया है, मेहरबानी करके तशरीफ अगर किसी को मिला है तो स्टेज पे पहुंचा दे मेहरबानी। और गिलगित की तस्वीर रहमत हमारे सामने जो लोग खड़े हैं जी आपसे गुजारिश आप पेश है, हमारे सामने जितने भी लोग खड़े हैं आपसे गुजारिश आप पेश है। ये सामने जो मेरे दोस्त खड़े हैं प्लीज कुर्सी पर बैठ जाए, आपसे मेहरबानी होगी प्लीज बैठ जाए। और जो हमारे राइट साइड पे जो लोग खड़े हैं इनसे भी गुजारिश है प्लीज, कुछ लोग आगे आए हैं और कुछ खड़े हैं, इनसे गुजारिश है आप पीछे जाओ और बैठ जाए प्लीज।
जी जुल्फकार भाई, आप चित्रान से हमारे साथी कमेंटेटर है। इस वक्त ये मैच का सेकंड हाफ जारी है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शानदार मैच जारी है, इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला। सेकंड हाफ में 5-7 का मुकाबला, गिलगित बल्तिस्तान 8-7 गोल। शानदार कतार में जारी है, जानब कतार के खिलाड़ी मौजूद, दोनों के दरमियान कश्मकश और कार आकाश भाई, इनको हम अगर क्या क्या बोलते हो, अपना कैसी होगी, क्या कहेंगे सवाल से? यकीन तो अच्छा होता है, क्योंकि देखिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से तेजी दिखाई गई, उसके बाद दोबारा से गोल जो है वो बराबर हुए, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से जो है वो बढ़तरी हासिल की बल्तिस्तान की टीम ने। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की टीम को एक गोल की बढ़तरी हासिल, और उस वक्त जो है वो लाइन से बाहर, बल्कि वहां पे चित्राल के मौजूद खिलाड़ी ने बहुत खूबसूरत तरीके से डिफेंड किया, और उस वक्त चित्राल की खिलाड़ी बॉल को लेकर और आगे
Thank you.